हेलो एस्पायरेंट्स, 14 दिसंबर की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 3 more months टू लिंक बैंक अकाउंट्स टू आधार। तो आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग के लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2017, बट अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2018 कर दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस किया था कि हम डेडलाइंस एक्सटेंड करेंगे। काफी सारी सोशल स्कीम्स भी है जो आधार लिंकेज मैंडेटरी जिनके लिए किया गया, तो उनकी डेडलाइंस भी एक्सटेंड की जाएगी 31 मार्च को। अब गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि इवन बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए भी डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। तो मतलब जो डेडलाइंस इंश्योरेंस पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड लिंकिंग के लिए भी है, वो भी अब 31 मार्च 2018 होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो रूल्स है वो अमेंड करने होंगे, तो वो किए जा रहे हैं। तो ये किए गए, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर रूल्स को लाया गया था कि 31 दिसंबर डेडलाइन होगी, तो अब ये रूल्स को अमेंड किया गया, चेंज किया गया। और ये भी कहा गया है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं करेंगे ये डेडलाइन तक, तो उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा जब तक कि आप आधार और पैन नंबर सबमिट ना करें। तो ये जरूरी है याद रखना। और इसके अलावा एक डेडलाइन है जो मार्च से पहले है, 6 फेब 2018 डेडलाइन है फॉर लिंकिंग आधार टू मोबाइल नंबर्स। तो इसकी डेडलाइन हटाई नहीं गई, ये 6 फेब ही डेडलाइन है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन यूनिटेक टेकओवर। तो एक्चुअली ये यूनिटेक एक रियल्टी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती है, रियल एस्टेट ग्रुप है। तो ये कंपनी के ऊपर जो बायर्स ने एक्चुअली केस किया था कि उनको होम एलोकेट नहीं किया गया टाइम में, तो इसलिए यहाँ पे केस इनिशिएट किया गया और ये केस काफी आगे तक गया। इस रियल एस्टेट ग्रुप के जो हेड है संजय चंद्रा, उनको अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डेडलाइन दी थी कि आप दिसंबर एंड तक 750 करोड़ रुपीज डिपॉजिट करें, जो होम बायर्स जिनको आपने घर नहीं दिए, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनिशिएट किए थे, अराउंड 70 प्रोजेक्ट्स है, इसमें 16,000 अनडिलीवर्ड यूनिट्स है। तो ये सारा उनका कंपनी के ऊपर 6,000 करोड़ का डेब्ट भी है। तो 750 करोड़ जो उन्होंने लोगों से लिए हैं उनको रिटर्न करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप ये डिपॉजिट करें दिसंबर एंड तक। तो इसके लिए आपको और घर बेचने जो भी करने आप कर सकते। लेकिन इसके बीच में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो हमने देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस में जो अप्रोच की जाती है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और कहा कि यूनिटेक लिमिटेड ये जो कंपनी है ये बैंक्रप्ट हो रही है, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले ताकि होम बायर्स को भी सेव किया जा सके। तो इसलिए एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया कि गवर्नमेंट अपने नॉमिनीज यहाँ पे नाम दे इस कंपनी के लिए और सारे डायरेक्टर्स यूनिटेक के सस्पेंड कर दिए गए। उनको कहा गया कि आप अपना पर्सनल कंपनी प्रॉपर्टी भी सेल नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एनसीएलटी ऑर्डर को स्टे कर दिया है, तो ये लागू नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये गवर्नमेंट की मिस्टेक थी, गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल को नहीं अप्रोच करना चाहिए था क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यही अब बात है। तो ये पूरा डिटेल से केस का, तो यही दिखाया गया है 2015 में जब केस इनिशिएट किया गया था, एलिगेशंस आए थे, उसके बाद अरेस्ट हुए, बेल होने के बाद में बेल्स भी डिनाई कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 750 करोड़ जो है डिपॉजिट करने के लिए कहा है दिसंबर एंड तक अब। और ये एनसीएलटी ने जो बीच में ऑर्डर पास किया उसको अब स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला है यूपी प्लान्स लॉ अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट ने अब एक लॉ अप्रूव किया है इनिशिएट करने के लिए, ये है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। तो जैसे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए मौका है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो उसी लाइंस पे ये यूपी को का भी बनाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली लॉ पहले भी अटेम्प्ट किया गया है, 2007-8 में मायावती गवर्नमेंट ने यूपी में अटेम्प्ट किया था ऐसा लॉ बनाने के लिए, लेकिन देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने उनको असेंट नहीं दिया था। तो अब ये फिर से कोशिश की जा रही है, तो ये लॉ विंटर सेशन में अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाएगा सामने और पास किया जाएगा। तो ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट है, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम माफिया होते हैं, जैसे लैंड ग्रैब्स केसेस होते हैं, इलीगल माइनिंग, इलीगल मेडिसिन सेल, इलिशिट लिकर, वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग, एक्सट्रॉशन, अबडक्शन, इन सारे केसेस में, इवन व्हाइट कॉलर क्राइम्स के केसेस में जो
हाईफाई क्राइम्स होते उन केसेस में भी इनको यूपी कोका लॉ को लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसके अंदर पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आप प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं जो लोगों के अगेंस्ट ये यू नो केसेस है और जो प्रूव किए गए हैं। फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे इन केसेस को ट्रायल करने के लिए ताकि इसको स्पीडली कंक्लूड किया जा सके। और कहा जाता है कि गैंगस्टर एक्ट ऑलरेडी है यूपी में जिनके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, पर यूपी को का और भी प्रोविजंस लाएंगे, 28 नए प्रोविजंस है उनमें गैंगस्टर एक्ट के अलावा। फिर अगला न्यूज आइटम है म्यूजियम दैट कैप्चर्स कलमकारी आर्ट। तो ये कलमकारी आर्ट जो है ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था। मछलीपट्टनम कलमकारी को जीआई टैग ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग भी दिया गया था इन 2013, लेकिन अब यहाँ पे ये डाइंग आर्ट है। तो अब एक म्यूजियम बनाया गया है इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए। तो कलमकारी, कलमकारी का मतलब होता है कलम पेन और कारी मीन्स आर्ट, तो कलमकारी ये पर्शियन वर्ड है। तो यहाँ पे दो स्कूल है ये पेंटिंग के, एक है मासुलीपट्टनम स्कूल और एक है श्रीकलाहस्ती स्कूल। तो मासुलीपट्टनम स्कूल या मासुलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रोमिनेंट है और यहाँ पे जो स्कूल है पर्शियन इन्फ्लुएंस है इसमें, और जो श्रीकलाहस्ती स्कूल है उसका हिंदू माइथोलॉजी से लिंकेज है। तो उसमें हिंदू थीम्स जनरली होती है और टेम्पल्स के अराउंड बैनर्स वगैरह में ये देखा जाता है। तो ये पेन से भी किया जाता है, इवन वुड ब्लॉक पेंटिंग भी इसमें किया जाता है कलमकारी। फिर अगला है इन यूपी चेकलिस्ट कोचिंग कैन वर्क वंडर्स फॉर मटर्नल न्यूबॉर्न हेल्थ। तो यहाँ पे यूपी में एक स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया कि जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट यूज की गई है और यहाँ पे बर्थ अटेंडेंट मैनेजर्स को इस बारे में कोच किया गया, कोचिंग दी गई है, तो उनके वहां पे बर्थ प्रैक्टिसेस में काफी सुधार हुआ है और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं वुमेन और न्यूबॉर्न्स के केयर में। तो ये एक स्टडी की गई है। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जो चेकलिस्ट है तो यहाँ पे जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं लेबर के और डिलीवरी के वो काफी जरूरी होते हैं और इन टाइम में सबसे ज्यादा रिस्क होता है डेथ का, कॉम्प्लिकेशंस का। तो जब ये चेकलिस्ट या इम्प्लीमेंट की जाती है तो ये सारे रिस्क ये जो है कम होते हैं। फिर भी डेथ रेट्स काफी ज्यादा है, मटर्नल मोर्टालिटी और इवन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स है, लेकिन फिर भी ये इतने रिड्यूस नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी स्किल्स में, सप्लाईज में और इवन सिस्टम केयर सिस्टम में अभी भी कमियां है। तो ये स्टडी है, जैसे कि ये चेकलिस्ट में प्रोविजंस है, तो जैसे कि ऑक्सीटोसिन देना चाहिए इमीडिएटली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, तो इससे मटर्नल हेमरेज कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली, तो ये एक चेकलिस्ट में इंटरवेंशन है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना चाहिए, तो ये एक इंटरवेंशन है। तो ये प्रॉपरली स्टेप्स लिए जाए तो काफी फर्क पड़ता है मटर्नल और न्यूबॉर्न हेल्थ को। इवन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड ये भी बहुत जरूरी होता है बेबी को वार्म रखने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो है, मटर्नल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना चाहिए, तो ये सारे जो है ये स्टेप्स लेने से मटर्नल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो सकती है। तो ये एक स्टडी में सामने आया है इन यूपी। फिर अगला है बिटकॉइन ट्रेडर्स अंडर आईटी स्कैनर। तो ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं तो ये इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, फिलहाल कोई लॉ नहीं है इनको रेगुलेट करने के लिए। आरबीआई ने हालांकि कई बार इसके लिए वार्निंग्स दी है कि इसमें रिस्क्स इन्वॉल्व्ड है, लेकिन रिसेंटली जो एक इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में जो सर्वे किया गया, उस सर्च ऑपरेशन किया गया, तो ये इसमें जो ये बिटकॉइंस अनअर्थ हुए, इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइंस, तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्वे ओवरऑल पूरे कंट्री में इनिशिएट किया है 9 बिटकॉइन ट्रेडर्स एजेंसीज का, यहाँ सर्वे हो रहा है जिसमें वो पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बिटकॉइंस में, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ से ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहाँ से आ रहा है, क्या ये अकाउंटेड मनी है कि नहीं, और जो रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट से वो उसका क्या करते हैं। तो ये सारे सर्वे से यहाँ पे इसके आंसर्स लाए जाएंगे। फिर अगला है कोड़ा फाउंड गिल्टी इन कोल ब्लॉक स्कैम केस। तो ये फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा और इवन फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड हरीश चंद्र गुप्ता, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, यहाँ पे इन सबको एक स्पेशल कोर्ट ने गिल्टी पाया इन कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम केस। तो इनके अगेंस्ट अभी स्टेप्स लिए जाएंगे, तो ये केस है। फिर अगला है कलवरी टू बी इंडक्टेड इन टू नेवी टूडे। तो कलवरी ये
फर्स्ट स्कॉर्पिन सबमरीन का नाम है जो मस्काव डॉक लिमिटेड ने इंडिया में बनाया है विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फ्रेंच कंपनी। तो ये फर्स्ट स्कॉर्पिन सबमरीन, इसके सी ट्रायल्स हो गए, अब ये रेडी है कमीशन करने के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको कमीशन किया मुंबई में। तो ये 20 साल बाद अराउंड, अब फाइनली अराउंड 17 ईयर्स बाद नेवी ने एक मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन इंडक्ट किया। लास्ट जो हुई थी वो 2000 में रशिया से अक्वायर किया था हमने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन INS सिंधु शस्त्र। अब ये कलवरी सबमरीन, जो कलवरी का मतलब होता है ये एक डीप सी टाइगर शार्क है, तो उसके ऊपर नाम रखा गया है। 1600 टन की ये सबमरीन है, तो इसके अंदर इवन एक्सोसेट मिसाइल्स है, इवन सरफेस अंडर वाटर टारगेट टॉर्पिडोज भी है, और इवन एक एंटी टॉर्पिडो डिकॉय भी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया गया है। तो ये हैवी वेट टॉर्पिडोज जो इसके लिए होने चाहिए वो एक्चुअली अब तक प्रोक्योर नहीं किए गए, क्योंकि पहले की डील स्क्रैप कर दी गई करप्शन एलिगेशंस पे। तो अब जो कन्वेंस अपने पास जो ओल्डर जनरेशन टॉर्पिडोज है उनको ही कस्टमाइज करके इसमें लगाया गया है, इसमें यूज किया जा रहा है। तो ये कलवरी सबमरीन है स्कॉर्पिन, फर्स्ट स्कॉर्पिन सबमरीन, एक्चुअली 6 स्कॉर्पिन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंदर इंडक्ट की जाएगी। तो ये हम फ्रेंच कंपनी है, अब नेवल ग्रुप का जाता है, पहले इसका नाम था DCNS, उनसे हम ले रहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। ये मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इनको कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो सेकंड जो है वो भी खंदेरी, ये भी सी ट्रायल्स इसके चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रेडी फॉर इंडक्शन, और सारे 6 सबमरीन जो है वो 2020 तक इंडक्ट हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वाइटेस्ट मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिटेक्ट कर, क्योंकि पानी के अंदर होती है तो इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इजीली, स्टेल्थ होती है, ये छुपी हुई होती है और ये एक नजर रखती है इवन एनिमी वेसल्स पे, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लेटफॉर्म मानी जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान फाइल्स काउंटर इन ICJ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने अब काउंटर फाइल किया है, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया था एक्चुअली कुलभूषण जाधव केस में, जिसको पाकिस्तान अलेज करती है कि इंडियन स्पाय है जो बालूचिस्तान प्रोविंस में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उन्होंने इनसे वीडियो कॉन्फेशन भी लिया है जिसको पाकिस्तान ने रिलीज किया है। पाकिस्तान की स्पेशल मिलिट्री कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया है, जो आर्मी चीफ के पास ये मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसलिए अप्रोच किया क्योंकि हमको कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा था, उनसे मिलने को भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली हमने न्यूज में डिस्कस किया है कि उनकी वाइफ और मदर को अलोंग विद इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल अलाउ किया जा रहा है उनसे मिलने के लिए। तो अब ICJ में हमारा केस इसी बेसिस पे था कि कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा, इसीलिए ICJ ने ये एग्जीक्यूशन के ऊपर भी स्टे लगा दिया। तो ये इंडिया की जीत हुई, लेकिन अब पाकिस्तान काउंटर कर रहा है ICJ में कि हमने एक्सेस दे दिया है, जैसे कोई बेसिस नहीं है केस का, ऐसे करके वो काउंटर फाइल कर रहे हैं। इंडिया क्लेम करती है एक्चुअली फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल है जिसको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया 2016 मार्च में, जब उन्होंने वो क्रॉसओवर कर रहे थे पाकिस्तान में ईरान से, तो एक्चुअली वो ईरान में बेस्ड थे। फिर अगला न्यूज आइटम है WTO इंडिया रेजोल्यूट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो ब्यूनस एयर्स में चल रहा है, यहाँ पे इंडिया इंसिस्ट कर रही है कि फूड सिक्योरिटी इशू के ऊपर सोल्यूशन लाया जाए। हमने देखा है क्या इशू है कि 10% जो कैप लाया गया है ऑन द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डोमेस्टिक सपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज दे सकती है, तो ये कैप अब ब्रीच हो रहा है। तो इसलिए कंट्रीज फिर इनको WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में ड्रैग कर सकती है कि ये ब्रीच कर रही, जो सीलिंग है वो ब्रीच हो रही है, एक्सीड हो रही है, ज्यादा हो रहा है उससे जो ये सपोर्ट दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए पीस क्लॉज लाया गया था। तो ये पीस क्लॉज के हिसाब से कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के सामने नहीं लेके जाएगी, क्योंकि ये सीलिंग 10% सीलिंग ब्रीच हो रही है। तो ये पीस क्लॉज टेम्पररी प्रोविजन है, इंडिया चाहती है कि इसके ऊपर परमानेंट सोल्यूशन लाया जाए। तो हम डोमेस्टिक सपोर्ट इसलिए देते हैं कि फूड सिक्योरिटी रहे कंट्री में, लेकिन यहाँ पे ये WTO नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा है फिलहाल, क्योंकि 10% जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है तो अब ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इवन बेस ईयर इसके लिए काफी पुराना लिया जा रहा है 1985-86। तो ये पीस क्लॉज के बजाय परमानेंट सोल्यूशन लाया जाए, ये इंडिया का इंसिस्टेंस है, लेकिन ये पीस क्लॉज तब तक चलेगा जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ जाता। लेकिन इसमें इश्यूज है कि पीस क्लॉज को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस लाए गए पीस क्लॉज के साथ कि कंट्री को नोटिफिकेशन देना होगा कि हम ये ब्रीच कर रहे हैं।
तब वो इसको यूज कर सकते हैं. तो ऐसे सारे जो कंडीशन है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इनको यूज करना. तो इसीलिए इनको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए इंडिया इंसिस्ट कर रही है, लेकिन यूएसए ने रिफ्यूज किया यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के डिमांड को मानने के लिए. तो ये प्रेजेंट स्टेटस है. फिर अगला है, इंडिया अपोजेस मूव टू लिंक जेंडर विथ ट्रेड. तो एक्चुअली डब्ल्यूटीओ जो 164 मेंबर ग्रुपिंग है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3/4 मेंबर्स, एग्जैक्टली 119 मेंबर्स जो है, उन्होंने डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने कहा है कि हम ये एक जो डिक्लेरेशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ये डिक्लेरेशन है ब्यूनस एयर्स डिक्लेरेशन ऑन वुमेन इन ट्रेड. तो मतलब ये डिक्लेरेशन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डिमांड करता है कि जो वुमेन के ट्रेड पार्टिसिपेशन में जो दिक्कतें होती है उनको निकालने के लिए ये वर्क करेगा. तो इसको इतनी सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, 119 आउट ऑफ 164 कंट्रीज, लेकिन इंडिया एक माइनॉरिटी ग्रुप में है जिन्होंने इसको नहीं सपोर्ट किया. तो इसको इंडिया ने नहीं एंडोर्स किया है. इंडिया कहती है कि हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बट जेंडर इज नॉट अ ट्रेड रिलेटेड इशू. तो जेंडर ट्रेड, डब्ल्यूटीओ इज अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जेंडर को क्यों लाया जा रहा है? तो ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है जेंडर रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने के लिए. ऐसा होगा तो आगे चल के फिर और बाकी नॉन ट्रेड इश्यूज है उनको भी डब्ल्यूटीओ में लाया जाएगा, जैसे लेबर, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स. तो फिर कंट्रीज इसके बेसिस पे भी जो है ट्रेड में बैरियर्स लाएगी कि लेबर लॉज नहीं फॉलो हो रहे, तो बैरियर ना डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरमेंट स्टैंडर्ड नहीं है या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो ऐसे हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम ये डिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे. लेकिन ये डेक्लेरेशन कहता है कि इसकी वजह से बेटर पेड जॉब्स मिलेंगे वुमेन को, उनको इवन यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अचीव करने के लिए भी ये मदद करेगा. तो हम बेसिकली वुमेन लेड बिजनेस स्पेशली स्मॉल फर्म्स को जो है इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें. तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन में ये एक मेन थीम है कि इनको स्मॉल फर्म्स को स्पेशली प्रमोट किया जाए वुमेन लेड बिजनेसेस. फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन कार्ड्स कैन नॉट बी अबोलिश्ड. तो ये आरबीआई ऑफिशियल है, वो कह रहे हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो लगाया जाता है इसको हम खत्म नहीं कर सकते. मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है हमने कई बार डिस्कस किया. इसके लिए मर्चेंट्स मतलब शॉपकीपर्स काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं रिटेलर्स के इसको अबॉलिश किया जाए. तो ये एक्चुअली एक फी होती है जो मर्चेंट्स को शॉपकीपर्स को पे करना होता है बैंक्स को हर डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे. तो ये कस्टमर्स नहीं पे करते, ये मर्चेंट्स पे करते. और ये जो पेमेंट होती है इसको तीन पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है. बैंक जिसने ये कस्टमर कार्ड इशू किया है, जो मर्चेंट है उसके पास जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, जो स्वाइप करते हैं हम कार्ड स्वाइप करने के लिए जो डिवाइस मर्चेंट यूज करते हैं, तो वो लेंडर जिसका POS टर्मिनल वो यूज कर रहे हैं, और इवन द पेमेंट गेटवे जैसे कि मास्टर कार्ड वीजा जो है, इन तीनों के बीच में ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट फी शेयर की जाती है. तो अगर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट, फिलहाल ये भी न्यूज में हमने डिस्कस किया है कि आरबीआई ने इसके रेट्स कम कर दिए हैं जो 1 जनवरी 2018 से इफेक्टिव हो गए, लेकिन अब एक आरबीआई ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसको कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं किया जा सकता, नहीं तो बैंक्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट है. तो ये MDR एक्सप्लेन किया गया, जैसे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे वो रिटेलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेट्रोल पंप है, तो जो एक MDR डिडक्ट होगा वो तीन हिस्सों में बटेगा, कार्ड इशुइंग बैंक, पेमेंट नेटवर्क और इवन बैंक प्रोवाइडिंग द POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन. तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स. थैंक यू.